हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मार्केट में आजकल की जो मेन बात है वो है एग्जिट पोल। आज की मेन इंपॉर्टेंट न्यूज एग्जिट पोल। एग्जिट पोल अगर आप देखें तो 2019 का आ चुका है, 2019 के लोकसभा इलेक्शंस का एग्जिट पोल सर पे है। शेयर मार्केट ने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थी कि मोदी जी फिर से आएंगे और फिर से आएंगे और शेयर मार्केट जबरदस्त तरीके से उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट था, अगर मोदी जी फिर से नहीं आते तो शेयर मार्केट में धड़ाम होने की, मतलब कि गिरने की बहुत बड़ी आशंका लगाई जा रही थी। और FII वगैरह का अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे, अप्रैल में इतना ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट उन्होंने स्टार्ट किया तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि भाई मोदी जी फिर से आएंगे। अगर आप देखें पिछले 5 साल में जिस तरीके से, अब आप कहोगे ये पॉजिटिव चीज़ें मैं कहोगे तो आप कहोगे जी आप NDA गवर्नमेंट के फेवर कर रहे हो, लेकिन नहीं, अगर शेयर मार्केट का आप हालात देखोगे पिछले 1 साल को छोड़ के जिस तरीके से मार्केट ने इम्प्रूव किया है, वो मैं NDA गवर्नमेंट को फेवर नहीं करूंगा, बट फिर भी जिस तरीके से बिजनेसेस बढ़े हैं, एक माने कि बिजनेस को सपोर्ट अच्छा तरीके से, मतलब कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडिया में बढ़ा है, वहाँ पे मोदी जी की गवर्नमेंट की मेन जो है फायदा रहा है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में भी अच्छा खासा, इसीलिए लोग ऑप्टिमिस्टिक थे कि अगर मोदी जी आएंगे तो शेयर मार्केट फिर से बढ़िया तरीके से उछाल करेगा। और यहाँ पे एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं जो वो आप देखिए, और क्लियरली अगर आप शेयर मार्केट से अभी दूर भाग रहे थे तो और डर रहे थे कि भाई NDA गवर्नमेंट पता नहीं आएगी नहीं आएगी, स्टेबल गवर्नमेंट आएगी नहीं आएगी, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें एग्जिट पोल ने थोड़ा सा हल्का कर दिया आपकी टेंशन। और फिर से आप देखिए एग्जिट पोल के नतीजे, और शेयर मार्केट में उम्मीद है कि अच्छा खासा उछाल आएगा मंडे खासकर, यानी कि 20 मई को इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा शेयर मार्केट में। एग्जिट पोल 2019 आज तक की अगर बात करें तो NDA 340 से 360 सीटें के साथ फिर आ रही है, गवर्नमेंट बना रही है। कांग्रेस वहीं पे यूपीए गवर्नमेंट यूपीए की जो है 77 से 108 सीटें रह गई है, ये आज तक वाले न्यूज है। SP BSP 10 से 16 सीटें हैं, अदर्स 70 से 90 95 के आसपास हैं। वही टाइम्स नाउ का अगर देखोगे, यहाँ पे भी NDA स्ट्रॉन्ग 306 सीट्स के साथ गवर्नमेंट बना रही है। सी वोटर की देखा जाए तो 287 सीटों के साथ गवर्नमेंट बना रही है। ABP नेल्सन की देखा जाए तो 267 सीटों के साथ फिर भी यहाँ पे भी मेजोरिटी है। ओवरऑल अगर हर तरीके से आप एग्जिट पोल देखें, ये देखिए आप NDTV का ही देख लें, आप NDTV का 302 सीटें बीजेपी को दिए हैं। चाणक्य चाणक्य अगर देखें तो पिछले साल यानी कि 2000 पिछले लोकसभा इलेक्शन 2014 के लोकसभा इलेक्शन में चाणक्य ने बिल्कुल सटीक 340 की भविष्यवाणी की थी और 336 NDA लेके गया था। इस बार भी इन्होंने 340 की भविष्यवाणी की है। और टाइम्स नाउ का अगर देखें तो देखिए टाइम्स नाउ ने 306, रिपब्लिक TV 305, हर किसी ने एक न्यूज एक्स नेता को छोड़ के हर किसी ने NDA गवर्नमेंट को फुल यहाँ पे बहुमत दे दिया है, मेजोरिटी दे दिया है, जिसका मतलब कि शेयर मार्केट के अच्छे दिन मैं कहूँगा कंटिन्यू रहेंगे। और इन्वेस्टर्स जो कॉशियस हो रहे थे, डर रहे थे इन्वेस्टमेंट करने से, और अभी का टाइम है ऐसे स्टॉक्स जो पिटे हुए हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स आप चूज कर सकते हो, FMCG सेगमेंट के बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स आप चूज कर सकते हो जो कि पिटे हुए हैं, जहां पे रिस्क कम है। जो लार्ज कैप सेगमेंट के स्टॉक जैसे ब्रिटानिया इंडस्ट्री काफी नीचे है, तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुले होंगे अभी फिलहाल। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का अगर देखें यहाँ पे, तो किस तरीके से जो मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ, जैसे दिल्ली में देखें तो 6 से 7 सीट NDA को मिलने की उम्मीद है, गोवा में तो 2 की 2 सीटें मिलने की उम्मीद है, इवन गुजरात में जहाँ कांग्रेस ने अच्छा खासा जोर लगाया था वहाँ भी NDA 25-26 सीटें ले जाने वाली है, और हरियाणा में तो बिल्कुल 8 से 10 सीटें हैं, और हिमाचल प्रदेश में पूरी सूपड़ा साफ करेगी बीजेपी, जम्मू कश्मीर में भी 2-3 सीटें ले जा सकती है, झारखंड में देखिए 12-14 सीटें ले जाने की उम्मीद है, वहीं पे कर्नाटका में अगर देखा जाए तो 21 से 25 सीटें ले जाने की उम्मीद है जहां पे कांग्रेस और JDS की गवर्नमेंट है। केरला में तो बीजेपी साफ है, फिर भी उम्मीद है कि 1 सीट ले जाएगी वहाँ पर। इवन अगर हम मध्य प्रदेश देखें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अभी गवर्नमेंट है और बीजेपी 26 से 28 का प्रोजेक्शन है कि सब साफ कर देगी। इवन महाराष्ट्र में देखा जाए तो शिवसेना और बीजेपी 38 से 42 सीटें ले जा सकती है। और अगर आप यहाँ पे मणिपुर में देखेंगे, मणिपुर मेघालय में तो बीजेपी है नहीं, कांग्रेस का ही वहाँ जोर है, छोटे छोटे स्टेट्स हैं। और मेजर देखा जाए तो उड़ीसा में बीजेपी का BJD यानी कि नवीन पटनायक जी की पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है और बीजेपी वहाँ पे अच्छा खासा कर सकती है इस बार, ऐसा माना जा रहा है। और इवन पंजाब में देखें तो पंजाब में जो है बीजेपी को खासा नुकसान झेलने को मिल सकता है। यहाँ पे अमरिंदर सिंह जी,
कांग्रेस की तरफ से 8-9 सीटें ले जा सकता है, और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। राजस्थान में देखिए कांग्रेस की गवर्नमेंट और फिर भी बीजेपी 23 से 25 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। ये सारे अनुमानित सीटें हैं। और यहाँ पे तमिलनाडु में बड़ा झटका देखने को मिलेगा, डीएमके 34 से 38 सीट ले जा सकती है। फिर से एआईडीएमके को खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल। तेलंगाना में तो केसीआर ही टीआरएस बिल्कुल मतलब यह वही लेके जाने वाले हैं सारी सीटें। लेकिन त्रिपुरा देखिए, त्रिपुरा में बीजेपी ले जा सकती है। और साथ में मेन आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उम्मीद देखिए एसपी बीएसपी के गठबंधन से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सिमट के रह जाएगा 10 से 16 सीटों के अंदर, और बीजेपी मार जाएगी हाथ 62 से 68 सीटों पर। तो उम्मीद बहुत बढ़िया, उत्तराखंड में तो सारा बीजेपी ही ले जाएगा। अब मेन बात आती है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे सातों के सातों फेज के इलेक्शन में पूरा गोलीबारी हुई, सब कुछ हुआ, हिंसा हुई और आरोप प्रत्यारोप बहुत चलते रहे। लेकिन यहाँ पे फिर भी बीजेपी जहाँ पे बिल्कुल 1-2 सीटें थी, वहाँ पे 19 से 23 सीटें ममता जी को कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी वेस्ट बंगाल में। तो उम्मीद यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बीजेपी ने, जितने भी जो यूपी में नुकसान हो रहा है वो वेस्ट बंगाल से रिकवर कर रही है, जिसकी वजह से उन्हीं जितनी सीटों पे पहले थी उतने ही सीटों पे अभी आने का पूरा उम्मीद है। तो ये एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं ये अनुमानित हैं, अभी भी मैं कहूँगा ये अनुमानित है। इसके मतलब यह है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हाँ सही हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि सब सारे के सारे एग्जिट पोल यहाँ पे बीजेपी को फुल मेजोरिटी दिला रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट को फुल मेजोरिटी दिला रहे हैं, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि शेयर मार्केट इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और दूसरा, अगर हम देखें एग्जिट पोल अलग अलग आप देखें, तो देखिए मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन हर एग्जिट पोल बीजेपी को ऑलमोस्ट एनडीए को 280 से ऊपर ही दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको पता ही है भाई 542 सीटें हैं और मेजोरिटी का मार्क बीजेपी सीधे सीधे पार कर रही है। बात करते हैं निफ्टी के इंडेक्स की। अब आप देखिए ये इंडेक्स बिल्कुल यहाँ पे एक ऑल दो है पिछले वीक में हैमर पैटर्न बना दिया, मैं कहूँगा ये हैमर पैटर्न भी हथौड़ा चला दिया गया है और अब उड़ने को तैयार है। नया टारगेट 12,000 का रेडी है निफ्टी के लिए, और वो 12,000 का टारगेट बिल्कुल पास है। 23 की तारीख को ये बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है निफ्टी और सेंसेक्स का। अगर आप देखें यहाँ पे भी पूरा का पूरा हैमर पैटर्न बना हुआ है, और उम्मीद है ये हैमर पैटर्न आगे तक बिल्कुल एक बड़ी सी रेड कैंडल के बाद हैमर पैटर्न बना है। उम्मीदें बहुत लगाई जा रही है इस हैमर पैटर्न के ऊपर। अगर आप देखें निफ्टी और सेंसेक्स में जब भी ये इस तरीके से पैटर्न जैसे ऊपर अगर बनता है, ये देखिए शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न जब ऊपर बनता है तो देखिए गिरावट आई है, और फिर बहुत उम्मीदें लगाई थी शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स ने मोदी के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त उम्मीदें। आप ये देखिए खुद निफ्टी ये 50-डे मूविंग एवरेज है उसके आसपास आके उसी का सपोर्ट था, लेकिन इस बार उससे भी ऊपर जाने की, ऊपर से ही उड़ने को तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना पॉजिटिव शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए क्यों हो रहा है? तो मोदी गवर्नमेंट, अगर आप देखें स्टेबल गवर्नमेंट जब होती है तो वो जो रिस्क होता है गवर्नमेंट चेंज होने का, पॉलिसीज चेंज होने का, तो ये पॉलिसीज काफ़ी मैटर करती है। सारी चीज़ें इलेक्शंस, शेयर मार्केट और आपकी पॉलिसीज सब आपस में रिलेटेड हैं। कोई भी पॉलिसी ऊपर या नीचे होती है तो आपने देखा होगा शेयर मार्केट किस तरीके से धड़ाम से गिरती है। तो वो उन पॉइंटों को फोकस कीजिए और देखिए। और अभी के टाइम में अगर आप स्टॉक्स देखें तो बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरे हुए हैं, जैसे मदरसन सुमी, अशोक लेलैंड बिल्कुल धराशायी। ये लोग वेट कर रहे थे कि आगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होंगी। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो मैं कहूँगा कुछ अच्छा ही ये यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, और जिसकी वजह से शेयर मार्केट को, और नो डाउट मोदी गवर्नमेंट, आप कहो कि मैं कहूँगा बिजनेस फ्रेंडली मोटिव से मोदी गवर्नमेंट है। और गुजरात का आपने देखा होगा भाई किस तरीके से पूरा सब कुछ मेजर बिजनेसेस हैं वो गुजरात से हैं, तो इसीलिए मोदी जी ऑलरेडी 3 बार वहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इसलिए उनका बिजनेस से बहुत बढ़िया एक नाता है मैं कहूँगा। और इन एग्जिट पोल्स के नतीजे ये दिखा रहे हैं कि भैया मोदी जी फिर से शेयर मार्केट के लिए खुशखबरी लेके आएंगे। आप खुद बताइए, आप यहाँ पे अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप कौन सी गवर्नमेंट चाहिए, आपको चाहिए होती थी कि आपका शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल हो जाए? तो मुझे यहाँ पे सीधे लगता है कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट शेयर मार्केट के लिए पॉजिटिव है, नो डाउट, और पॉजिटिव है। और एग्जिट पोल के नतीजे, ये एग्जिट पोल के नतीजों का रिजल्ट अब
जैसे कल मार्केट का जो मूड होगा वो आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। कल यानी कि 20 मई 2019 का मार्केट का मूड आपको सब क्लियर कर देगा कि शेयर मार्केट किधर जा रही है, इन्वेस्टर के मन में इस एग्जिट पोल की खुशी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें कल ही क्लियर हो जाएंगी। चलिए वाइंड अप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताएं कि आपको ये एग्जिट पोल के नतीजे कैसे लगे, अगर आपको अच्छे लगते हैं और शेयर मार्केट पर इनका कैसा असर होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने तक मत रखिए, क्योंकि ये खुशखबरी है मैं कहूँगा हर उस शेयर मार्केट इन्वेस्टर के लिए जिसने 100 रुपया, 200 रुपया, 1 लाख, 2 लाख, करोड़ जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस इन्वेस्टर के लिए ये खुशखबरी की बात है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।